दोस्तों DSSB की तरफ से आज 17 अक्टूबर 2023 शाम को 5 बजे के आसपास कई दिनों के बाद नया नोटिस जारी किया गया है। एक नहीं दो नोटिस हैं और बड़ी खुशखबरी आई है निकल के। बिल्कुल विस्तार से आपके साथ ये दोनों नोटिस शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSB से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और इन दोनों नोटिसों को बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं। कैंडिडेट्स का लंबा इंतजार आखिरकार आज समाप्त हुआ है। बाकी आप भी देख लीजिएगा किसी भी पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट को कंप्लीट होने में आखिर कितना समय लगता है, ये देखिए इस नोटिस से आपको ये पता लग जाएगा अगर आपके काम का नोटिस नहीं है तब भी। सबसे पहला नोटिस तो ये देखिए, रिजल्ट नोटिस नंबर 197 है। पोस्ट कोड 39/20 की बात हो रही है और पद का नाम है ड्राइवर MCD SDMC के लिए वैकेंसी आई थी। 39/20 मतलब 2020 की ये रिक्रूटमेंट है। तो 2020 की रिक्रूटमेंट का फाइनल रिजल्ट आज 17/10/2023 को जारी किया गया है। तो ये देखिए पोस्ट कोड 3/20 जैसे मैंने आपको बताया, 38 टोटल वैकेंसी आई थी, 1337 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया था टीयर वन एग्जाम का, जो कि 30/11/2021 को कंडक्ट कराया गया था। मतलब टीयर वन एग्जाम 30/11/2021 को कंडक्ट कराया गया। उसके बाद 211 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट जो कि कंडक्ट कराया गया था 2023 में, 30/11/2021 को तो रिटर्न एग्जाम हो गया है। उसके बाद स्किल टेस्ट कब हो रहा है, 1/8/2023 को कंडक्ट कराया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 10/8 और 11/8/2023 को कंडक्ट कराया गया। 128 कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए, 70 कैंडिडेट ने वो क्वालिफाई कर लिया। तो अब इस 70 कैंडिडेट्स में से ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, मेरिट के अकॉर्डिंग रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी से 17 कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन किया गया है। ओबीसी कैटेगरी से इन 10 कैंडिडेट का, एससी कैटेगरी से 5 और एसटी कैटेगरी से इन 2 कैंडिडेट्स का यह सिलेक्शन किया गया है। और जो इनकी कट ऑफ रही है वो है कुछ इस प्रकार से, ये देखिए अनरिजर्व की कट ऑफ 100, ईडब्ल्यूएस की नन अवेलेबल, ओबीसी की 80.5, एससी की 76.5, एसटी की 81.25 और एक्स सर्विसमैन की 78। और वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अनरिजर्व से 4, ओबीसी से 2, एससी से 1 और एसटी से 1 कैंडिडेट वेटिंग पैनल में है। वेटिंग पैनल की कट ऑफ अनरिजर्व की 98.25, ओबीसी की 79, एससी की 76, एसटी की 81.25। इसके बाद जो अगला नोटिस है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, पोस्ट कोड 39/20 से। ये एक रिजेक्शन नोटिस है, एक ही कैंडिडेट है, इनका कैंडिडेट से रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे जो भी समय सीमा दी गई थी उस समय सीमा के बीच में। तो ठीक है दोस्तों, यही अपडेट आई थी निकल के जो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।